मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त परी। दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक शरारती खरगोश और बुद्धिमान कछुए की कहानी सुनाऊंगी। जंगल में रूबो नाम का एक शैतान खरगोश रहता था। घरों से चीजें चुराने की उसकी बुरी आदत थी। उसकी तेज गति के कारण जंगल के जानवर उसे पकड़ नहीं पाते थे। उसकी इस खराब आदत से सभी त्रस्त थे। सभी जानवरों ने मिलकर जंगल के राजा शेर से रूबो की शिकायत की। जंगल के सबसे बुजुर्ग जानवर टोटो ने उसे समझाते हुए अपनी हरकतें बंद करने की हिदायत दी। अरे बेटा रूबो, सबको परेशान करना बंद कर दो मेरे बेटे, बंद कर दे। किंतु रूबो अपनी तेज गति के घमंड में चुनौती देते हुए सभी जानवरों से कहता है, मैं तो बदमाशी करूंगा, मुझे कोई पकड़ के दिखा है। बोलो है किसी मैडम जो मुझे पकड़ के दिखा सके। सभी जानवर हार मानते हुए उदास हो जाते हैं। अंततः मिस्टर टोटो घोषणा करते हैं कि मैं रूबो को रेस में हरा सकता हूँ। मैं रूबो को रेस में हराऊंगा। यह सुनते ही सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर क्या हुआ परी? तो तुम मुझे रेस में हराओगे? रूबो, इतना घमंड अच्छा नहीं है मेरे बेटे। यदि बात हो तो मुझे क्या आएगा। और तय समय पर रेस शुरू होती है। रूबो कुछ ही पलों में टोटो को काफी पीछे छोड़ देता है। बहुत दूर आने पर रूबो पीछे मुड़कर देखता है, उसे दूर दूर तक टोटो नजर नहीं आता। यह सोचकर कि टोटो को आने में तो बहुत वक्त लगेगा, वह एक पेड़ के नीचे सो जाता है। इधर टोटो अपनी चाल से निरंतर चलता रहता है। रास्ते में उसे सोता हुआ रूबो मिलता है। सोले, सोले बेटा सोले, तू जिंदगी भर सोता ही रहेगा और हमेशा रोता ही रहेगा। धीरे धीरे चलते हुए आखिर टोटो रेस जीत जाता है। पीछे पीछे भागता हुआ रूबो आता है। अरे बाप रे, ये बोटा मुझसे कैसे पहले पहुंच गया? अब रूबो कोई बदमाशी नहीं करेगा। उदास रूबो अपनी हार मान लेता है और भविष्य में कोई बदमाशी ना करने का वादा करता है। मैं हार गया बाबा भैया, मैं हार गया, मैं अब कोई बदमाशी नहीं करूंगा। तुम क्या कहते थे सोएगा तो सोता ही रह जाएगा। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा? जो अपना काम लगातार और बिना रुके करता है वो हमेशा जीतता है। लेकिन साथ ही हमने यह भी सीखा कि अपनी योग्यताओं पे घमंड नहीं करना चाहिए, जैसा रूबो को था। बाय बाय।